सेंटा दिस इज राजा चौहान। दोस्तों आज हम मोबाइल चार्जर के बारे में पढ़ेंगे और इसका हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल है। मोबाइल इसके बिना चार्ज नहीं हो सकते और मोबाइल इसके ऊपर डिपेंड है, हम भी इसके ऊपर डिपेंड है यार। हम 1 मिनट मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, कोई नहीं रह सकता। आज की जनरेशन मोबाइल के बिना 1 मिनट नहीं रह सकती। तो मोबाइल चार्जर का काम क्या होता है? एक पोर्टेबल चार्जर होता है, एक एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और पावर को क्या करता है, रिस्टोर वोल्टेज इनटू करंट। और ये इसके फंक्शन। हम सोचते हैं यार ये 220 सप्लाई को 5 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करता है? इतना सा चार्जर 220 एसी को कैसे 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करता है? डीसी में कन्वर्ट कैसे करता है? आइए समझते हैं इसके बारे में। ये लगा है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक 220 एसी को 5 वोल्ट एसी में करता है। पहले कन्वर्ट 5 वोल्ट एसी में। ट्रांसफार्मर का काम होता है एसी को एसी में कन्वर्ट कर, नॉट डीसी। मैक्सिमम मैंने देखा है एग्जाम में मैक्सिमम बंदे ऐसा करके आते हैं कि ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, पर ऐसा करेंगे कभी ना, ऐसा कभी नहीं करना। ट्रांसफार्मर कभी डीसी पे चलता नहीं है यार। डीसी पे कैसे, अगर आप ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई देंगे तो उसमें कोई ईएमएफ फ्लक्स कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 50 हर्ट्ज से यहाँ तो यहाँ भी 50 हर्ट्ज मिलेगी। और हाँ, एसी को इसको पढ़ते हैं, ये 220 एसी को 5 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है। मतलब कौन सा है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग लगी है ज़्यादा टर्न ऑफ या सेकेंडरी वाइंडिंग कम टर्न ऑफ होती है, तो ये काम होता है, मतलब ज़्यादा वोल्टेज को कम कर देता है। आगे लग रहा है आपका ब्रिज रेक्टिफायर, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। कन्वर्टर बोलते हैं इसको, ऐसे कन्वर्टर। इसका काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ब्रिज रेक्टिफायर एसी को डीसी में। आगे लग रहा है आपका पैरेलल में कैपेसिटर। इसका काम होता है जब एसी के कुछ रिपल बच जाते हैं ना, उनको आगे भेजता है और पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। उसके आगे लगा जाता है सीरीज में वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर बहुत ज़रूरी है यार आपके फ़ोन के लिए, बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि इसके बिना आपका फ़ोन सेफ नहीं है यार। इसके बिना आपका फ़ोन सेफ नहीं है। खुद सोचो यार, जैसे आप फ़ोन को चार्ज करते हो, शाम को लगा दिया अपने चार्ज और सुबह उसको डिसकनेक्ट करते हो, तो आपके फ़ोन को फ़र्क पड़ता है? आप तो खुश होते हैं यार, हाँ 100% हो गया बैटरी, चलो ठीक है। तो पहले 10 15 20 साल पहले जब नए नए फ़ोन आए थे इंडिया में, तो हम चार्ज करते थे फ़ोन को, तो हमें देखना पड़ता था टाइमली कि बैटरी ज़्यादा ना हो जाए या तो फट जाएगा फ़ोन। बहुत केस हुए यार, बहुत केस हुए हुए फिर साइंटिस्टों ने ऐसी चीज़, मतलब ऐसी चीज़ की खोज की, उसे बोलते हैं जैनर डायोड। जैनर डायोड, इसका काम होता है वोल्टेज को रेगुलेट करना। चाहे आपका फ़ोन हो जाए 100% चाहे 110%, आपके फ़ोन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो चार्जर जो इतना सा चार्जर है वो डब्बी से वो ही वोल्टेज को पीछे से डिस्कनेक्ट कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। और उसका काम होता है जेनर डायोड। जेनर डायोड करता है वो काम। इसके आगे लगा है आपका कैपेसिटर 0.1 माइक्रोफैराडे का, वो भी इसका सेम ही काम होता है। एसी के कुछ रिपल वजह से वो आगे भेजता है, फिर आगे हमें मिलने करती है 5 वोल्ट डीसी। ये पूरे फंक्शन इसका काम, मोबाइल चार्जर काम एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। मोबाइल चार्जर कभी भी आपका एसी पे वर्क नहीं करता, एसी सप्लाई लेता है बेशक पर नॉट वर्क, वो डीसी पे चलता है। डीसी पे याद रखना, डायरेक्ट आपकी बैटरी होगी, आपकी जो बैटरियाँ होती हैं वो भी डीसी पे। क्योंकि बैटरी तो यार इस मोबाइल में कौन सी बैटरी होती है, लिथियम टाइप बैटरी तो होती है, तो वो क्या डीसी पे चलेगी यार? 5 6 वोल्ट, 5 या 6 वोल्ट की होती है, इससे ऊपर होती है यार। और एसी तो डेंजर ही है, पर डीसी डेंजर है क्या? ये आपसे एक सवाल है कि डीसी डेंजर है? एसी एसी तो मानते हैं, एसी तो हम डेली यूज़ करते हैं यार, हमारी डेली लाइफ में इसका यूज़ ही है एसी का, अल्टरनेट करंट का, तो डेली का यूज़ है। क्या डीसी डेंजर है? तो मेरे को कमेंट करके बताना नीचे दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर पक्का कर देना यार, प्लीज़ प्लीज़ पक्का कर देना यार। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।